पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सरकारें जो सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो सुविधाएं वापस ली जाएं, वो सुविधाएं बंद की जाएं। उससे सरकारों को घाटा हो रहा है। इन्हें कोई कह रहा है ये फ्रीबीज हैं, कोई कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी है। इस तरह की अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करके पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है। आम लोगों को जो सुविधाएं देती है सरकारें, फ्री में देती हैं, वो सारी सुविधाएं बंद की जाएं। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है, वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। देश आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जब ये सुनते हैं तो दिल को बेहद तकलीफ होती है। वैसे तो 75 साल के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए था, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए था कि हमारे बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा पूरे देश में मिलती। लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती 75वीं वर्षगांठ के ऊपर।